फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पुराने बफिंग पैड को जो ख़राब हो जाता है उसको किस तरह से रिपेयर करोगे। सामान देख के आप समझ ही गए होंगे। तो पुराना बफिंग पैड जो आपका यूज़ किया हुआ है जो ख़राब हो जाता है, ऐसे ब्लैक हो जाता है। और दूसरा आपने लेना है ये जो सरिया काटने वाली आरी। इसके बाद आपने जिस तरह से आप बफिंग करते हो उसी तरह से इसको चला के आपने ये आरी जो है इसके यहाँ पे ऐसे इस तरीके से लगानी है ताकि ये साफ हो जाए पूरा। मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए काफी हद तक ये साफ हो चुका है। इस तरह से साफ करने के बाद इस आपको क्या करना है, और इसके बाद फ्रेंड्स आपने यही जो ब्लेड है हमारा, इसको दोबारा लेके इस तरह से रगड़ना है। और जब आप ऐसे साफ करोगे, इसको रब करोगे, आप खुद देखोगे कि ये नीचे से वाइट निकलना शुरू हो गया है। तो पूरा इसको अच्छे से घिस दो। मैं आपको पूरा घिस के फिर दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, वैसे साफ करने के बाद अगर भी तब भी साफ ना हो तो आप इसको एक इसके ऊपर से परत इसको काट सकते हो। इस तरह से एक इसकी परत काट दो। जब ये काट देंगे तो नीचे से देखो वाइट निकल रहा है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये कितना क्लीन हो गया है। इसकी साइडें मैंने अच्छे से साफ नहीं की है, लेकिन साइडें भी काफी अच्छे से साफ हो चुकी हैं। तो फ्रेंड्स, तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।